polarized people here. Don't share this negativity here. Later on, these guys come in with final year and they hired some goons from outside and then they beat up everyone. So what do you want now? Why you are protesting today? We want strict action and we want arrestation of those goons who came into the hostel. That's it. That's our demand. They are basically a spokesman for our social media group. पूरी रात में बैठी थी आपके साथ, बहुत सेफ एनवायरनमेंट है, पुलिस प्रोटेक्शन में आप रहोगे सारे। जो गुंडे बाहर से हायर किए हुए थे, जिस बंदे ने लाए थे, उनके खिलाफ अरेस्ट उनको अरेस्ट करो बाहर। एक मिनट, आपकी ये सारी इंसिडेंट के बाद हमने रिपोर्ट कर दी है पुलिस को, पुलिस ने FIR रजिस्टर कर ली है, इंक्वायरी कर रहे हैं वो, जो रेस्पॉन्सिबल अभी अभी बताएंगे FIR गुंडों पे जो बाहर से आए, हॉस्टल में तो बाद में देख लीजिए, लेकिन जो बाहर से आए उनको अरेस्ट करो। थोड़ी सुन लो, अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ होंगे ना, पुलिस पूरी पावर से आपके सामने खड़े हैं, हमने हमने पूरा FIR कर दिया है, जो रेस्पॉन्सिबल है उसको अरेस्ट किया जाएगा। जी सर, जो भी जिस मर्जी कम्युनिटी से हो उसको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक सर, इसके अलावा मैम ने एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो इंक्वायरी करेगी अपनी लेवल पे भी। सर, FIR आपकी बात है, पुलिस को ऑथोराइज कर दिया है, वो आपके हॉस्टल में चक्कर लगाएगी और जो आपको वहाँ बंदा मिलेगा आउटसाइडर या सर सर जो गुंडे आए थे उनको पहले अरेस्ट करो बस, बाद में हॉस्टल का मसला देख लो। सर नाम तो बताया, मैं नाम बता देता हूँ, JP सिंह है, उसने लाए थे हायर किए हुए, बता दिया जी, बता दिया अरेस्ट करेंगे अभी जी, करो ना उसको अरेस्ट, अरेस्ट नहीं होगी। वो तो बाहर वाला है, हॉस्टल का मसला देख लो आपस में, लेकिन बाहर वाला कैसे हमें मार सकता है रूम में आके, लाइट ऑफ करके हमें मार रहा है, मार रहा है वो लेकिन गुंडो को पहले अरेस्ट कराओ, उनका तो मसला ही नहीं है ना, चार नहीं जाएंगे मैम, उनको अरेस्ट कराओ, बाकी आप पोस्ट लेयर का मसला देख लो। थैंक यू। क्या इशू हुआ है जो पांच बच्चे दाखिल भी हमने रखे, अगर किसी को थोड़ी बहुत भी लगी थी, एक को स्टिचेस भी लगे, लेकिन वो सारे अच्छी तरह से मैनेज हो रहे हैं और इनके साथ पूरा जो अंडर रूज एक्शन है वो होगा। और मैं इनको भी सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जाओ अपनी क्लासेस, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स होने जा रहे हैं, ऐसी हमें शोभा नहीं देती, हमारे प्रोफेशन कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता, बच्चे हमारी हिफाजत में है, पुलिस की प्रोटेक्शन में है। कितने बच्चे इंजर्ड हुए? पांच बच्चे हैं वहाँ पे, आपस में धक्का मुक्की जैसे बच्चों में हो जाता है, तो इनको कोई फिक्र की बात नहीं, आप हमारी हिफाजत में हो। हॉस्टल में मैं 5 बजे तक बैठी थी, आप बिल्कुल ऐसा कोई एनवायरनमेंट में कमी नहीं नजर। ये प्रॉब्लम को डॉक्टर